फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम बी आर के स्टडी। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक एम बी आर के स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके गाइज, पिछले वीडियो में हम लोग ने ऋग वैदिक काल को पढ़ लिया था। ओके गाइज, आज हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल का स्ट्रक्चर अब देख सकते हैं मैपिंग के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। राजतत्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। इस काल में राजा का महत्व बड़ा, उसका पद वंशानुगत हो गया। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। समाज स्पष्ट रूप से चार वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बटा था। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें धन संबंधी तथा किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। जवालवो उपनिषद में सर्वप्रथम चार आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। धार्मिक एवं यज्ञी कर्मकांडों में जटिलता आई। इस काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति ब्राह्मण को कहा जाता है। विष्णु एवं रुद्र शिव को कहा जाता है थे। लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला है। आश्रम श्रम धातु से व्युत्पन्न आश्रम शब्द का अर्थ परिश्रम अथवा उद्योग करण से है। इस प्रकार आश्रम में स्थान है जहाँ कुछ समय ठहर कर मनुष्य कुछ आवश्यक गुणों का विकास करता है और आगे की यात्रा के लिए तैयार होता है। डॉक्टर प्रभु ने आश्रमों को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की यात्रा में विश्राम स्थल बताया है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर उसे 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ये 4 आश्रम हैं ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम या जीवन की तैयारी, प्रशिक्षण, अध्ययन एवं अनुशासन का काल है। इस अवस्था में युवक अपनी सारी शक्ति का संचय करते हुए विषय वासना से दूर रहकर श्रम एवं साधनामय जीवन व्यतीत करता था। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य बालक को स्वावलंबी बनाना और गृहस्थ जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। गृहस्थ आश्रम, इस आश्रम में व्यक्ति धार्मिक एवं सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की ओर अग्रसर होता है। इस आश्रम का प्रारंभ विवाह के बाद होता है। इस आश्रम में मनुष्य संतानोत्पत्ति, अतिथि यज्ञ का संपादन, अग्निहोत्र का संपादन, अर्थवृद्धि, याज्ञिक संस्कारों का संपादन, आश्रम वासियों की सुरक्षा तथा दान पुण्य का कार्य करता था। इसी आश्रम में व्यक्ति तीन ऋण से मुक्ति और पंच महायज्ञ का संपादन करता था।
तीन ऋण कौन कौन है? देव ऋण, ऋणी ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण किसे कहा जाता है? विभिन्न धार्मिक और यज्ञों अनुष्ठानों द्वारा मुक्ति होना। ऋणी ऋण वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन द्वारा मुक्ति होना। पितृ ऋण धर्मानुसार संतान उत्पत्ति द्वारा मुक्ति होना। पंच महायज्ञ क्या है? पंच महायज्ञ पांच हैं, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नरी यज्ञ, अभूत यज्ञ, ब्राह्मण यज्ञ। देव यज्ञ क्या है? देव यज्ञ के दौरान अग्नि में आहुति देना देव यज्ञ कहलाता है। पितृ यज्ञ पितरों का तर्पण तर्पण या सम्मान पितृ यज्ञ कहलाता है। नरी यज्ञ अतिथियों का समुचित सत्कार करना नरी यज्ञ कहलाता है। भूत यज्ञ जीवधारियों का पालन करना भूत यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण यज्ञ वेद शास्त्रों का अध्ययन और स्वाध्याय करना ब्राह्मण यज्ञ कहलाता, ब्राह्म यज्ञ कहलाता है। ऊपर ऋग वैदिक काल का दो पॉइंट छूट गया, आज उसी को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, ऋग वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को तथा उसके उपरांत अग्नि व वरुण को महत्व प्रदान किया गया था। ऋग वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया। ऋग वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया। ऋग वेद में उसके लिए 250 सूक्त हैं। ऋग वेद में कितने सूक्त हैं? 250 सूक्त का वर्णन किया गया, ये 250 सूक्त हैं वर्णन किया गया, दोनों सेम ही बात है। ऋग वैदिक काल का भारत ऐसा था। ओके गाइज, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अभी तक MBR का स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब आई होप कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में कर लीजिएगा। ओके गाइज, मैं डेली वीडियो में यही बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइज, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लो। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।